लगातार दो सालों से केदारनाथ जी में लगातार हर दूसरे तीसरे दिन में ऐसी वीडियो जारी हो रही है। लगता है जहां कोई कानून, कोई नियम, कोई परंपरा यहां लागू नहीं होती है, इसलिए यहां लगातार दूसरे तीसरे दिन में ऐसी वीडियो जारी हो रही है यहाँ तीर्थयात्रियों के द्वारा, जो एक भयभीत कर रही है। देखिए सभी लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे सभी लोग उनको दोष दे रहे हैं जो इस प्रकार की वीडियो बना रहे हैं। मैं अपनी तरफ से लोगों को कोई दोष नहीं देता हूँ, मैं दोष देता हूँ यहाँ के मैनेजमेंट को दोष देता हूँ, जो कि जिस प्रकार से यहाँ तीर्थयात्री आ रहे हैं, जिसके जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। अरे भैया, बारकोड आपने बड़े बड़े बारकोड बद्रीनाथ केदारनाथ में लगाए, उसकी जगह आपके बोर्ड होते, उन बोर्डों पे आपके नियम कानून लिखे होते कि किस प्रकार से यहाँ दर्शन करना चाहिए, कैसी यहाँ की परंपरा है, कैसे यहाँ की सभ्यता है, कैसे यहाँ की भावना है। क्योंकि यात्री को वो गाइडलाइन कहीं भी नहीं मिलती है, और यात्री यहाँ आता है, यात्री की जो मर्जी होती है, कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी गले मिल रहे हैं, और यहाँ की यात्रा के जो भाव है वो प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार से इस पे मंदिर समिति तुरंत एक्शन ले, अपने मंदिर समिति अपनी कमाई पे कम ध्यान दे, और यहाँ की परंपराएं क्या है, यहाँ की व्यवस्थाएं क्या है, उस पे ध्यान दे, जगह जगह बोर्ड लगाए, हम यात्रियों को बताए कि किस प्रकार से यहाँ दर्शन होने चाहिए, क्या यहाँ की परंपरा है, ये सारी चीज़ बताए। नहीं तो यात्री इसी प्रकार से यहाँ करता रहेगा। यात्रियों का ऐसे वीडियो बनाने वालों को कोई दोष नहीं है, दोष है यहाँ का मैनेजमेंट पे दोष है। तुरंत यहाँ के मैनेजमेंट की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण।